हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एररस इस रेक्टिफिकेशन ऑफ़ एरर में हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा उसके अंदर हमने बात की कि ये चैप्टर का मीनिंग क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है किस तरीके से हम लोग गलतियों को सुधारते हैं गलतियाँ कितने टाइप्स की होती हैं ये हमने पढ़ लिया था आज हम लोग क्लास न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले बेस समझेंगे कैसे उसे बनाना है फिर हम बनाना सीखेंगे और अगली क्लास से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देंगे तो वीडियो एंड तक देखना तुम्हें पूरा समझ आएगा जैसे पिछली क्लास में अच्छे समझ आया था ऐसे ही अब भी समझ आएगा बस एंड तक अच्छे समझना क्या है ये राइट चलो तो हमने अलग अलग टाइप के एरर्स की बात करी थी एक बार कॉमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें याद है वो चार टाइप के एरर तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ सो दैट वो आपका बार बार रिविजन हो जाए तो सबसे पहला अगर हम बात करें देखो दो टाइप के एरर होते हैं मैंने पिछली क्लास में बताया था एक वन साइडेड एरर दूसरा होता है टू साइडेड एरर वन साइडेड एरर मतलब जहां गलती किसी एक अकाउंट की कि किसी एक साइड में हुई है एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट और वन साइड एक अकाउंट और वन साइड एरर एक अकाउंट में या एक तरफ अगर कोई गलती होती है सो दिस इज़ कॉल्ड वन साइडेड एरर सो एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस दैट इज बिकॉज ऑफ विच ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री अगर आप किसी एक साइड में गलती कर दोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होगा इस टाइप के एरर को बोलते हैं वन साइडेड एरर इफ दीज आर आइडेंटिफाई बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आपने क्लास ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उसे आइडेंटिफाई कर लिया ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो उससे पहले पता चल गया आपको कि अभी गलती हुई है तो क्लास उसे एक एक्सप्लेनेटरी नोट एक नोट डाल के हम उस गलती को ठीक कर सकते हैं और वो मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाएगी तो आज हम जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें क्लास एक्सप्लेनेटरी नोट डाल के ही क्वेश्चन बनाएंगे वो कैसे होता है उसको हम सीखेंगे बट सबसे पहले इफेक्ट effect... ऑफ errors एंड देयर रेक्टिफिकेशन अब एरर का इफेक्ट क्या है और उसको ठीक कैसे करेंगे थोड़ा सा उसकी बात करते हैं अभी ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीन शॉट ले लो इसको तुम्हें बहुत अच्छे समझना है तुम्हें लगेगा सर इतना सारा याद करना पड़ेगा एक सेंटेंस तुम्हें याद नहीं करना सारा मैं समझाऊँगा कैसे होता है फिर तुम्हें क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा राइट भाई सीधी सीधी बातें यहाँ पर अगर किसी चीज़ को ज़्यादा डेबिट कर दिया एक्सिस डेबिट अगर आपने किसी भी चीज़ को ज़्यादा डेबिट कर दिया एक्सेस डेबिट कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मान लो कोई अकाउंट है उसके डेबिट साइड आपने पचास फालतू तो लिख दिया आप मिटा तो सकते नहीं हो तो ठीक करने के लिए सेम आपको क्रेडिट साइड भी लिखना पड़ेगा सो so दैट वो कट जाए उसका इफेक्ट क्या हो जाए बराबर बराबर हो जाए एक तराजू है तराजू ठीक है उसमें इधर भी दो किलो रखो इधर भी दो किलो रखो तो भी वो चीज़ें क्या होगी मैच होगी आप ऐसे भी वजन कर सकते हो तो अगर आपने इधर सौ किलो रख दिया तो इधर भी सौ किलो रख दो तो वो बराबर बराबर हो जाएगा आप इसे मिटा नहीं सकते क्योंकि गलती आपको बहुत बाद में पता चल रही है तुरंत नहीं पता चल रहा आपको राइट तो एक्सिस डेबिट अगर आपने कोई चीज डेबिट कर दिया तो आप उतने अमाउंट से उसे क्रेडिट कर दो सौ डेबिट कर दिया तो सौ क्रेडिट कर दो सौ डेबिट कर दिया दो सौ क्रेडिट कर दो तो अगर आपने कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा उतने को क्रेडिट साइड लिख देना है अगर आपने क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिया तो ठीक करने के लिए उतना डेबिट साइड लिखना है सिंपल तो एक्सिस क्रेडिट अगर आपने क्रेडिट साइड मान लो सौ ज्यादा लिख दिया ठीक करने के लिए डेबिट में भी सौ लिख दो तो डेबिट साइड बाय द डिफरेंस यानी कि डेबिट साइड जितना भी डिफरेंस है सौ का डिफरेंस है सौ ज्यादा लिखा है तो सौ आप डेबिट में लिख दोगे तो पहले दो पॉइंट क्लियर हो गए हाँ सर अगर ज्यादा डेबिट किया है तो उतना ही क्रेडिट कर दो ज्यादा क्रेडिट किया है तो जितना क्रेडिट किया उतना ही डेबिट कर दो राइट थर्ड लेस डेबिट डेबिट में सौ लिखना चाहिए था डेबिट में सौ लिखना चाहिए था आपने अस्सी लिखा तो बीस और लिख दो तो डेबिट में ही तो लिखोगे लेस देखो जब आप ज्यादा कर देते हो तो, उसको 100 ना था, 80 लिखा है, तो 100 और लिख दो तो अगर आपने डेबिट को लेस लिखा है तो डेबिट साइड बाय द डिफरेंस तो जितना भी डिफरेंस है उसको आप डेबिट साइड ही लिखोगे राइट लेस क्रेडिट आपने क्रेडिट कम करा है लेस क्रेडिट आपने क्रेडिट कम करा है तो क्रेडिट साइड बाय द डिफरेंस अगर आपने क्रेडिट साइड कम लिख दिया तो और लिख दो क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिया तो जितना ज्यादा लिखा है उसको डेबिट साइड लिया ठीक करने के लिए डेबिट साइड कम लिखा है तो और डेबिट लिख दो कम लिखा है तो अगर डेबिट साइड ज्यादा कर दिया तो डिफरेंस को उठा के क्रेडिट साइड लिया डेबिट right? लिखना ही भूल गए देखो यार डेबिट को कम लिखना या डेबिट को लिखना ही भूल जाना बात तो सेम ही है कम लिखना तो जितना कम लिखा उसे और डेबिट कर देते हो और पूरा ही लिखना भूल गए तो उतना डेबिट कर दो डेबिट ओमिटेड डेबिट में लिखना भूल गए तो डेबिट साइड द अमाउंट ओमिटेड आप डेबिट में लिखना भूल गए तो लिख दो डेबिट में क्रेडिट ओमिटेड क्रेडिट में लिखना भूल गए तो लिख दो क्रेडिट में डेबिट में लिखना भूल गए तो लिख दो डेबिट में जितना भूल गए क्रेडिट में लिखना भूल गए तो लिख दो क्रेडिट में जितना भूल गए राइट नेक्स्ट है डेबिट आइटम रॉन्गली क्रेडिटेड इन दाउंट एक डेबिट का आइटम है रॉन्गली क्रेडिटेड इन द अकाउंट अब ये ध्यान से समझना किसी डेबिट के आइटम को गलती से आपने क्रेडिट में लिख दिया मैं तुम्हें यहां पे लिख के समझाता हूँ मैं अच्छे से समझा दूंगा ठीक है मान लो ये अकाउंट है राजू अकाउंट ठीक है ये सही है इधर मुझे सौ लिखना था ठीक है इधर मुझे सौ लिखना था ये सही सिचुएशन है बट मैंने किया क्या मैंने गलती क्या करी राजू के अकाउंट में इधर लिख दिया डेढ़ सौ दो गलती करी साइड तो चेंज करा ही करा अमाउंट भी चेंज कर दिया राइट तो मुझे डेबिट में सौ लिखना था गलती से मैंने डेबिट के आइटम को क्रेडिट में लिख दिया अब डेढ़ सौ भी हो सकता है अस्सी भी हो सकता है भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है जो भी है अभी मैं सारे केस समझाऊंगा आपको ठीक है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये सौ इधर आना चाहिए था वो तो लिखो ही लिखो ये सौ तो इधर आना चाहिए था डेबिट में प्लस जितना तुमने गलती से क्रेडिट में लिख दिया उसको भी लिया तो कुछ बच्चे इसको बोल दो डबल अमाउंट से, से डेबिट कर दो डेबिट में सौ लिखना था आपने गलती से क्रेडिट में सौ लिख दिया तो डबल अमाउंट से फिर से डेबिट करो यानी कि आपको राजू का अकाउंट 200 से डेबिट करना पड़ेगा सो दैट ये जो गलती है आपने जो क्रेडिट साइड लिख दिया वो गलती रेक्टिफाई हो जाए सौ इधर लिखा तो सौ इधर लिख दो इससे गलती रेक्टिफाई होगी फिर ये जो हंड्रेड आपको इधर लिखना है वो आप यहाँ पे लिख देना राइट अच्छा एक बात और अगर आप अगर आप यहां पर लिख दोगे 200 दो अगर आप यहां पे कितना लिख दोगे 200 ठीक है तो अभी डेबिट में 100 आना चाहिए था आपने क्रेडिट में 200 लिख दिया डेबिट में 100 आना चाहिए था आपने क्रेडिट में 200 लिख दिया अब ठीक करने के लिए ये 200 आप यहां ले आओ प्लस ये 100 आप यहां ले आओ तो टोटल कुल मिला के तीन जो है आप क्या करोगे डेबिट साइड लिखोगे राइट इसे लिख लो फटाफट क्लास एकदम इसे लिखो

तो आप डेबिट साइड लिख देना अमाउंट टू बी डेबिटेड जो डेबिट में आना चाहिए वो तो डेबिट में लिखोगे ही लिखोगे प्लस अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड जो जो गलत किया है वो प्लस जो डेबिट में आना चाहिए वो अब कुछ बच्चे बोल देते हैं सर सीधे डबल अमाउंट कर दो तो देखो यार अगर सौ का सौ ही लिखा होगा तो डबल अमाउंट कर दोगे सौ का साइड तो डेबिट में सौ आना चाहिए था आपने क्रेडिट में सौ लिख दिया और फिर सौ की जगह एक सौ बीस लिख दिया ऐसा भी तो हो सकता है डेबिट में सौ लिखना चाहिए था आप क्रेडिट में एक सौ बीस लिख दिया ऐसा भी हो सकता है क्रेडिट में अस्सी लिख दिया ऐसा भी हो सकता है अगर क्रेडिट में सौ ही लिखा है तो तो फिर आप डबल अमाउंट कर दोगे लाइक लाइक डबल अमाउंट कर दोगे बट ये याद रखना क्योंकि इसमें कभी गलती नहीं होगी तो कोई डेबिट का आइटम था गलती में तुमने क्रेडिट कर दिया तो तुम डेबिट साइड लिख दो एक तो वो अमाउंट जो तुम्हें लिखना चाहिए था प्लस वो जो तुमने गलती से क्रेडिट साइड लिख दिया इससे हमारी गलती ठीक हो जाएगी उसी तरीके से एक क्रेडिट आइटम है वो गलती से तुमने डेबिट साइड लिख दिया एक क्रेडिट आइटम है वो गलती से तुमने डेबिट साइड लिख दिया आइटम था क्रेडिट का लिख दिया डेबिट में तो क्रेडिट साइड लिख दो है ना डिफरेंस भी और वो जितना आना चाहिए वो भी तो क्रेडिट साइड लिखना है तुमको क्योंकि वो क्रेडिट का आइटम है तो क्रेडिट साइड लिखना है बाई द अमाउंट टू बी क्रेडिड तो जितना क्रेडिट करना था उतना क्रेडिट कर दो साथ में जो गलती से डेबिट लिख दिया वो भी आप क्रेडिट कर दो ये रूल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है समझने के लिए है अगर आप इतना समझ गए तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आज मैं जो तुम्हें कराने वाला हूं टॉपिक इससे क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक पॉइंट इससे आ सकता है और ये सिंगल साइड एरर है यहाँ गलती सिर्फ किसी एक अकाउंट के किसी एक साइड में हुई है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता मैच नहीं करता और ध्यान से अच्छे से समझना क्लास इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ देख देता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट मैं तुम्हें हर तरीके से समझा दूंगा कैसे करना है अगर तुम्हें वो रूल अच्छे से क्लियर हो गए जो अभी बताया तो मैंने ठीक है सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आ जाओ <coughs> यहां पे आ जाओ परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाई हंड्रेड परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाई हंड्रेड

तुमने कम टोटलिंग कास्टिंग मतलब टोटलिंग में कल बता चुका हूँ आपको ठीक है तो आपने परचेज बुक को अंडर कास्ट कर दिया तो परचेज को सौ से डेबिट करना था आपने सौ से डेबिट किया नहीं सौ से कम टोटलिंग कर दी तो कर दो डेबिट डेबिट का आइटम है कम दिखा रखा है तो दिखा दो डेबिट में अब यहाँ लिखोगे क्या अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू परचेज बुक अंडर कास्ट बाई हंड्रेड तो इस तरीके से हम इस गलती को सही कर देंगे परचेस के बुक में डेबिट साइड कम दिखा रखा हमने डेबिट साइड कम दिखा के इसको ठीक कर दिया अगर क्वेश्चन कहता है सस्पेंस अकाउंट 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 डज नॉट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता कहता सस्पेंस 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 मत बनाओ अगर भाई ओपनिंग तो यहाँ पे टू लिख देते वर्ड मैंने ट्रायल बैलेंस में भी सिखाया था आपको सस्पेंस वर्ड का तब यूज करते हैं जब हमको कुछ नहीं पता रहता कहा लिखें गलतियां हमें नहीं पता चल रही तो हम सस्पेंस अकाउंट को लिख देते हैं बट इस क्वेश्चन में अगर मुझे सही करना है इसे तो मैं कैसे करूँगा परचेज बुक अंडर कास्ट अंडर कास्ट बाई रुपीज हंड्रेड खत्म टू का मतलब कि वो डेबिट में आएगा तो अगर मैं परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में ये एक्सप्लेनेटरी नोट डाल देता हूं तो मेरी गलती सही हो जाती है अब इसमें कुछ टीचर्स अपने अपनी लैंग्वेज लिखवा देते हैं अलग अलग तरीका होता है लिखने का मैनट टू अगर टू है और ये हंड्रेड सही है तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे भले ही तुम्हारा टीचर कुछ और भी लिखवा रहा हो बट मीनिंग यही बनेगा उसका और लैंग्वेज तो अलग अलग होती है ना किसी बात को बोलने की भाई सेकेंड दूसरा अच्छा कोई बच्चा कहता है सर मैं अकाउंट बना के दिखाना चाहता हूँ तो दिखा दो अकाउंट बना के दिखाओगे तो भी चलेगा तो भी कोई अल्टीमेटली तुम्हें ये बताना है कि देखो यार गलती ऐसे ठीक होगी वो मैटर करता है बस सेकंड रिटर्न इनवर्ड इज अंडर कास्ट बाई दो सो सबसे पहली बात बच्चों सबसे पहली बात मुझे बताओ रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं खरीदा वापस गया रिटर्न आउटवर्ड बेचा वो अंदर आ गया रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न ठीक है सेल्स रिटर्न आप सबको पता है कि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है डेबिट है ना कम पड़ेगा तो डेबिट ज्यादा होगा तो राइट right. right? लिखा है सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट कम दिखा रहा है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है तो लिख दो डेबिट में टू अंडरकास्ट सेल्स रिटर्न बुक राइट तो लिखो सेकंड वाला टू अंडरकास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक या आर रिटर्न इनवर्ड बुक भाई ठीक है टू हंड्रेड तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारी गलती जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी जो हमारी गलती है वो रेक्टिफाई हो जाएगी समझ गए बात को थर्ड पांच सौ रिटर्नरीशन अकाउंट अच्छा ये लो आप डेप्रीसिएशन में लिखना भूल गए तो भैया लिख दो debit omitted, कितना 500 लिखो टू डेबिट उप अकाउंट 500 सो टू डेबिट ओमिटेड इन डेप्रिशिएशन अकाउंट पांच सौ ये एक नोट डाल के आप गलती को ठीक कर दोगे इस तरीके से ओके फोर्थ स्टेशनरी डेढ़ सौ का पोसे ट्वाइस इन स्टेशनरी अकाउंट इधर आओ देखो चेक करो क्लास अरे यार देखो यहां पे कैसे बता रहा हूं मैं आपको स्टेशनरी डेढ़ सौ का रहा स्टेशनरी खर्चा है एक्सपेंस एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है डेबिट गलती से दो बार लिख दिया अब अगर आपने गलती से दो बार लिख दिया लिखना एक बार चाहिए तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इधर साइड आपको डेढ़ सौ लिखना पड़ेगा बाई रॉन्गली डेबिटेड ट्वाइस इन स्टेशनरी अकाउंट क्या लिखोगे बाई अपनी भाषा में लिखना जैसे भी लिखना चाहो मिल जाएगा रॉन्गली डेबिटेड ट्वाइस इन स्टेशनरी अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट डेढ़ सौ. तो डेढ़ सौ को आपने गलती से डेबिट में दो बार लिख दिया था तो तुम अब क्रेडिट करोगे बाई लिखा हुआ है ना बाई का मतलब क्रेडिट करोगे और वो गलती ठीक हो जाएगी समझे बात को नेक्स्ट क्रेडिट सेल इसको भी ध्यान समझना क्या है ये ठीक है क्रेडिट सेल डेढ़ सौ, टू सुमन अब सुमन को बेचोगे तो एंट्री क्या होगी सुमन टू सेल्स डेढ़ सौ बेचा सुमन को है ना करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक सेल्स बुक में ठीक है डेढ़ सौ लिख दिया पांच सौ दस सुमन डेबिट होना चाहिए था सिर्फ डेढ़ सो उसको डेबिट कर दिया पांच सौ दस कितना ज्यादा डेबिट कर दिया तो तुम्हें ठीक करने के लिए सुमन को उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा अगर डेबिट कम है तो डेबिट लिखते हैं लेकिन डेबिट ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट को क्रेडिट करो कितना ज्यादा है तो अगर मैं देखूँ कैलकुलेशन करके देखो लिखना चाहिए था 150 लिख दिया 510 360 तो 360 सुमन को क्रेडिट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे क्रेडिट मतलब बाई क्या लिखेंगे 360 सौ बाई ओवर डेबिटेड इन सुमन अकाउंट या डेबिट एक्सेस लिख सकते हो और बाई लिखते ही मतलब आपने ओवर डेबिट किया था अब आपने उसको क्रेडिट कर दिया हो गया ठीक तो इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक को जो वन साइडेड एरर है उसे ठीक कर सकते हो अगर डेबिट कम किया है तो डेबिट कर दो डेबिट ज्यादा किया है तो क्रेडिट कर दो है ना क्रेडिट कम किया है तो क्रेडिट कर दो क्रेडिट ज्यादा कर दिया तो डेबिट कर दो इस तरीके से ठीक है तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन। अभी दूसरा है आप एक बार इसे पढ़ो समझो इसे बना के दिखाओ फिर मैं बताता हूँ तुमको कि तुमने बनाया सही है गलत बनाए पॉइंट्स बताओ बेटा बना लिए चलो चेक करते सेल्स टू को बेचा सही एंट्री क्या होगी टू सेल्स पोस्टेड टू हिज अकाउंट दो हजार अंसुल को बेचा बीस हजार का है और लिखा सिर्फ दो हजार तो भैया कम कितना पड़ रहा है अठारह हजार <coughs> तो आप क्या लिखोगे सेकंड क्वेश्चन में अंसुल को आपने बेचा बीस हजार का लेकिन उसके अकाउंट सेल्स तो ठीक है सेल्स में कोई गलती नहीं है वन साइड अरर है अंसुल में गलती किया अंसुल में सिर्फ दो लिखा तो अंसुल में अट्ठारह हजार डेबिट करोगे टू अंडर कास्ट ऑफ अंसुल अकाउंट अच्छा रॉन्ग लेस पोस्टेड इन अंसुल अकाउंट बाई रुपीस एटीन थाउजेंड दो हज़ार तो आपने पोस्ट किया सिंगल साइड एरर जितने भी होते हैं ना उसको आप एक एक्सप्लेनेटरी नोट डाल के कर सकते हो अगर इसी चीज़ को क्वेश्चन कहता कि सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ तो अंशुल को मैं डेबिट करता दो हज़ार से तो इन्होंने कर दिया अट्ठारह हज़ार से और डेबिट करता इसको अगर बोल क्वेश्चन क्या है सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ अगर आपका टीचर कहता है तो जो भी नीचे कम पड़ता है बराबर करने के लिए आप मतलब एंट्री चाहे चाहे अगर तुम पेपर में ये एंट्री लिख दोगे तो भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे तुम पेपर में एक्सप्लेनेटरी नोट डाल दोगे तब भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे समझ गए सेल्स टू टू अनसोल डेबिटेड हिज अकाउंट यार देखो इन दोनों में कोई कोई अंतर नहीं है सेम है पोस्टेड टू हिज अकाउंट तो भी पोस्ट कहां करोगे डेबिट में और डेबिटेड टू हिज अकाउंट बात बिल्कुल सेम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो आप ये बिल्कुल लिख दो सेम आप पेपर में सेम मत लिखना बस पेपर में तो लाइन रिपीट कर देना तीसरा तीसरा देखते हैं अच्छा पॉइंट है दे सामान तो एंट्री क्या होगी पवन टू सेल तो पवन तो डेबिट होगा अब इन्होंने कर दिया क्रेडिट एक डेबिट करना था बीस तुमने क्रेडिट कर दिया दो मेरी बात समझना इधर बीस लिखना था तुमने गलती से इधर दो लिख दिया है क्रेडिट में ठीक करने के लिए डेबिट साइड तुम 22 लिखोगे 22 तो में तो तो इधर 20 का इफेक्ट आ जाएगा मतलब 20 प्लस दो, जो रूल्स हमने पढ़ा था कि जितना तुमने क्रेडिट कर दिया उतना प्लस जितना करना चाहिए था तो चाहिए था 20 कर दिया दो तो टोटल 22 से आप डेबिट करोगे तो पवन को आप डेबिट करोगे कितना ट्वेंटी से तो आप क्या लिखोगे टू लेस डेबिटेड पवन अकाउंट एंड रोंग क्रेडिटेड बाय इसमें लिख दो एरर रेक्टिफाई कि आपके एरर जो है वो रेक्टिफाइड हो गया मैंडेटरी नहीं है लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर है तो आपने एरर को रेक्टिफाई कर दिया अब बाईस हजार से तो अगर आपने टू साइड पवन के अकाउंट में बाइस हजार डाल दिया तो वो गलती जो रोंग क्रेडिट किया और जो एरर लिखना भूल गया डेबिट साइड उसकी गलती क्या हो जाएगी क्लास ठीक हो जाएगी उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा फोर्थ सेल टू रमन 5600 सेल्स टू रमन आपने रमन को बेचा है सेल्स टू रमन कितना 5600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 6500 यानी बात सुनो रमन को सेल किया तो रमन डेबिट होगा 5600 से गलती से आपने डेबिट कर दिया 65 ज्यादा कर दिया तो तुम्हें अब रमन को क्रेडिट करना पड़ेगा तो एंट्री क्या होगी सस्पेंस टू रमन अगर हम एंट्री करते तो कितने से तुमने ज्यादा कर दिया क्लास फिफ्टी सिक्स प्लस नाइन हंड्रेड ना 65, नौ सौ रुपए से तो रमन को तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा क्लास कितने से नौ सौ रुपए से रमन को तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा नाइन हंड्रेड से तो लिखोगे बाई रॉन्ग सॉरी एक्सिस एक्सिस डेबिटेड रमन अकाउंट बाई 900. तो so 900 सौ रुपए से आपने उसका अकाउंट ज्यादा डेबिट कर दिया और तुम्हें उतना ही 900 सौ रुपए क्रेडिट कर देना है सो so दैट तुम्हारी गलती सही हो जाए ठीक है नेक्स्ट अगली क्लास में जो हम करेंगे ना टू साइड एरर वो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा वन साइड एरर से आसान टू साइड एरर लगेगा बिकॉज में तीन चार स्टेप्स हैं उनको सिखा दूंगा और अगली क्लास से क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे बस मैं इतना कहूंगा मैं इसके लगभग सात क्लासेस लूंगा इन सात के सात क्लास के अंदर मैं तुम्हें जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में उससे बाहर नहीं आएगा बस इतना ध्यान रखना लास्ट लास्ट केस देखो परचेज ऑफ 8,650, 8,650 का कंचन से खरीदा है पोस्टेड टू हिज अकाउंट आठ हजार पाँच सौ साठ मेरी बात ध्यान समझना कंचन से खरीदा तो परचेज टू कंचन कंचन क्या होगा क्रेडिट होगा परचेज टू कंचन तो कंचन होगा क्रेडिट और आपने क्या किया आठ हजार छः सौ पचास का कंचन से खरीदा उसके अकाउंट में आना चाहिए आठ हजार छः सौ पचास गलती से आपने आठ हजार पाँच सौ साठ लिख दिया तो कम लिखा है लिखना चाहिए था आठ हजार छः सौ पचास लिखा है आठ हजार पाँच सौ साठ देखो डिफरेंस कितने का है नब्बे रुपये का है 90 का डिफरेंस है तो 90 से कम लिखा है तो ये क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे तो बाई लिखेंगे बाई कंचन अकाउंट शॉर्ट क्रेडिटेड बाई शॉर्ट क्रेडिटेड कंचन अकाउंट बाई रुपीज नाइन्टी ठीक है तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट डाल के अपने वे में जिसमें डेबिट क्रेडिट्स बस सही होना चाहिए आपको नंबर मिलेंगे आपको ये चीज लिख देनी है बात समझ आई तो ये है क्लास आपका वन साइड एरर यानी कि सिंगल साइड एरर किसी एक अकाउंट में आपने गलती की है और इस नोट को डाल के आप इसको ठीक कर सकते हो अच्छा अगर यही कोई मुझसे कहता कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करके तो कंचन को क्रेडिट करना है ना नब्बे रुपए से तो कर दो कंचन को क्रेडिट कंचन को नब्बे रुपये से क्रेडिट करना है तो कर दो ऊपर क्या लिखोगे सस्पेंस सिंगल साइड एरर में अगर आपको जन एंट्री पास करनी है तो आप यहाँ पे सस्पेंस लिख दो हो गई एंट्री पास डेबिट या क्रेडिट में जो भी बचता है वो आप सस्पेंस के नाम से लिख दोगे जैसे कंचन को क्रेडिट करना था तो कर दिया कंचन को क्रेडिट तो बट डेबिट भी तो किसी को करना पड़ेगा तो वो क्योंकि आपने गलती एक जगह की है तो एक अलग से अकाउंट खुल जाएगा क्या सस्पेंस अकाउंट अगर आपने दोनों जगह एंट्री की होती तो परचेज सेल में भी जाता बट आपने सिर्फ कंचन में गलती करी है तो कंचन को क्रेडिट कर दिया नब्बे से बाकी सब कुछ सही है तो बराबर करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ओके तो ये था वन साइड एरर उम्मीद है आपको वन साइड एरर आ, यही सब चीजें हैं कि कोई डेबिट भूल गए कोई क्रेडिट भूल गए तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं उम्मीद समझ आया होगा इस तरह से आप इको की भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो मैंने इको भी अच्छे से करा रखा है लाइन लाइन और बाकी चैप्टर भी धीरे धीरे कराऊंगा आपको हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे हैं बिकॉज रेक्टिफिकेशन के बाद सिर्फ एक ही यूनिट बचता है जो 24 मार्क्स का है जिसे मैं तसल्ली से अच्छे से कराऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम्हें आगे भी ग्रेजुएशन में काम आएगा बट ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर समझ आया कि नहीं और आगे आने वाले पार्ट्स में हम और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक टेक केयर बाय बाय वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में